हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का लेक्चर 7। आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड लेक्चर्स की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं वो जान लेते हैं। हमने लेक्चर 1 में टॉपिक कवर किया है बिजनेस एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेक्चर 2 में हमने टॉपिक कवर किया है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। लेक्चर 3 में हमारा टॉपिक कवर हुआ है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। लेक्चर 4 में हमने टॉपिक कवर किया है टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। लेक्चर 5 में हमने टॉपिक कवर किया है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेक्चर 6 में हमने टॉपिक कवर किया है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। चलिए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बिजनेस को और अदर इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ये वो सारी हिंड्रेंसेस, वो सारी रिकावटों को रिमूव करने में हेल्प करती हैं जो एक बिजनेस अपने ग्रोथ पीरियड में देखता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी टर्शियरी इंडस्ट्रीज हैं। पहली है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयरहाउसिंग। हम इन 5 इंडस्ट्रीज को अभी हम पढ़ेंगे कि ये 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन से काम में हमारी मदद करती हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी चीजों में ये हेल्प करती हैं। सबसे पहली है ट्रांसपोर्टेशन। The process of moving goods from the place of production to the place of consumption, the hindrance is removed with the help of different transport industries. अब एक बिजनेस ने प्रोडक्शन करी है, अब उसने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, तो उन गुड्स को रखे रखे उसको प्रॉफिट नहीं होगा। क्या करना होगा उसको, उन गुड्स को मार्केट प्लेस में ले जाना होगा। अब मार्केट प्लेस में वो कैसे लेके जाएगा, बिना ट्रांसपोर्टेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो वो इंडस्ट्रीज जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। सेकंड आता है बैंकिंग। मनी इज द की टू एवरी बिजनेस, एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस कॉन्टिन्यूसली। द नीड ऑफ फाइनेंस इज कम्प्लीटेड बाई द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन्स एक्सेट्रा। अब पैसा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक बिजनेस के लिए, एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए। और हर बिजनेस को, हर इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत होती है। उस नीड को कौन पूरा करता है, बैंक पूरा करता है। बैंक क्या करता है, इंडस्ट्रीज को लोन्स वगैरह भी देता है, उनके बिहाफ पे क्या करता है, शेयर्स भी इशू करता है। तो वो जो इंडस्ट्री, वो पैसे की जो कमी होती है उसको कौन दूर करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। एवरी बिजनेस इज इनहेरिटेड विद सम रिस्क, टू अवॉइड द रिस्क बिजनेस नीड्स इंश्योरेंस। Thus, insurance company helps the business to get some percentage of its money back if anything happens. Insurance क्या करता है? हमें पता है कि हर business या हर industry में कुछ inherited risk होते ही होते हैं, जो business के starting में, industry के starting से लेके end तक उसके साथ चलते हैं। उन risk को avoid करने के लिए industries क्या करती हैं? Insurance करवाती हैं। उस ताकि अगर कुछ होता है in future, near future, उनको कुछ mishappening होती है उनके business में, उनकी industry में, तो उनका पैसा कुछ परसेंटेज उनको वापस मिल सके, ताकि वो अपना न्यू सेटअप बिजनेस कर सके। तो ये वाली हिंड्रेंस जो होती है, फाइनेंस की जो हिंड्रेंस होती है उसको दूर करता है बैंकिंग। इंश्योरेंस की, रिस्क की हिंड्रेंस को जो दूर करता है उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टीजमेंट। एवरी बिजनेस नीड्स टू कम्युनिकेट विद इट्स कस्टमर। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू रीच ईच एंड एवरी ऑफ इट्स पोटेंशियल कस्टमर at the same time, so this hindrance is removed by the advertisement industries that helps the business to cover a large area at the same time. Advertisement सबको पता है कि आजकल क्या करती हैं industries, बड़े-बड़े businessmen क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वो लोग वो अपने business की, अपनी industry की ads वगैरह करते हैं, advertisement करते हैं, जिससे क्या होता है उनको help मिलती है एक जगह बैठे-बैठे a vast area of customers को cover करने की। तो ये वाली कम्युनिकेशन की जो हिंड्रेंस होती है, कम्युनिकेशन में जो रुकावटें होती हैं, उसको कौन सी इंडस्ट्री दूर करती है, हमारी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री दूर करती है। नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी है वेयरहाउसिंग। एवरी बिजनेस प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स इन बल्क इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स कस्टमर। दस इट नीड्स सम स्पेस टू स्टोर बिफोर इट रीचेस टू मार्केट। दिस हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड इज रिमूव्ड बाय वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री। अब गुड्स ने
अब इंडस्ट्री ने क्या किया, गुड्स प्रोड्यूस किए। अब वो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और वो क्या करते हैं, ये नहीं कि वो 100 यूनिट या 200 यूनिट करते हैं, वो बल्क में यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने हर कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके। अब उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए, अब क्या है कि उसको स्टोर भी तो करेंगे कहीं, सारा का सारा एकदम मार्केट में नहीं लेके जा सकते। हो सकता है कि जब तक उन्होंने प्रोडक्शन किया तब तक उनके गुड की डिमांड खत्म हो गई हो, कम हो गई हो, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना गुड्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए उसको मार्केट में लेके जाते हैं, बाकी को स्टोर कर देते हैं अपने वेयर हाउस में। तो इस स्टोरेज ऑफ गुड्स की रुकावट को जो दूर करती है उनको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज। ये हमने हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के कुछ पार्ट्स पढ़े हैं जो हमें हेल्प करती है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। आई होप आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स एंड कॉम्पोनेंट ऑफ कॉमर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।